ये आकाशवाणी दिल्ली है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी रेडियो जीवनी का पांचवां पुष्प, निष्कंप दीप शिखा। लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर। अब तक आप सुन चुके हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से ही सत्यनिष्ठ थे। विलायत से बारिस्टरी पढ़कर भारत लौटे तो एक कंपनी के काम से उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां रंग भेद की नीति और गोरे शासकों के दुर्व्यवहार ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। गांधीजी दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के मानवोचित अधिकार के लिए वर्षों तक संघर्ष करते रहे। वहीं उन्हें सत्याग्रह जैसे अमोघ अस्त्र की अनुभूति हुई। 9 जनवरी 1915 को वो अंतिम रूप से भारत लौट आए और यहां के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्हीं दिनों गांधीजी ने शांति निकेतन में श्रम की मर्यादा स्थापित की और हरिद्वार जाकर स्वामी श्रद्धानंद से भेंट की और कोचरब में सत्याग्रह आश्रम बनाया। छुआछूत और ऊंच नीच के भाव की व्यापकता से गांधीजी को असह्य पीड़ा पहुंची। इन त्रुटियों को दूर करने में वे जी जान से लग पड़े। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के एक किसान पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी को बताया कि वहां के गोरे नीलवर गरीब जनता पर किस कदर जुल्म ढा रहे हैं। इसके बाद सन 1917 में चंपारण में अहिंसा की पहली लड़ाई शुरू हो गई और अंत में जीत हुई चंपारण की जनता की, महात्मा गांधी की। खेड़ा के किसानों की सहायता के लिए और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए भी गांधी जी को हड़ताल का आयोजन करना पड़ा। मजदूरों को दृढ़ रखने के लिए गांधी जी को उपवास भी करना पड़ा। यहां भी गांधी जी की विजय हुई। यूरोप में चल रहे महायुद्ध में मदद देने के लिए गांधी जी को काफी कष्ट उठाना पड़ा, जिसके चलते वो बीमार पड़ गए। अभी वो रोगशैया से उठ भी ना पाए थे कि 8 जनवरी 1920 को रॉलेट एक्ट गजट में छप गया। गांधी जी काफी कमजोर हो गए थे, फिर भी उन्होंने देश का तूफानी दौरा किया और देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। 30 मार्च को दिल्ली में और 6 अप्रैल को समस्त देश में हड़ताल हुई। दिल्ली से अमृतसर जाते हुए राह में ही पलवल स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के इस कदम पर पूरे देश में रोष का तूफान उठ खड़ा हुआ। अंग्रेजी हुकूमत की दमन चक्की चल पड़ी। जलियांवाला बाग में हुकूमत ने बर्बरता की हद कर दी। लूटपाट, आगजनी और हत्याकांड देखकर गांधी जी आकुल व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप उपवास किया और सत्याग्रह संग्राम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। इससे आगे का वृत्तांत प्रस्तुत है महात्मा गांधी रेडियो जीवनी के पांचवें खंड, निष्कंप दीप शिखा में। रूपक में महात्मा गांधी के सभी उद्धरणों का पाठ श्री ओम शिवपुरी कर रहे हैं। Thank you.
साबरमती के तट पर विकसित होता हुआ एक आश्रम, सत्य की एक प्रयोगशाला। उसी की एक कुटिया में रहता है एक पुरुष, आयु के 50 वर्ष पूरे होने को ही हैं। मोटी खादी के वस्त्रों में लिपटा है, किश्ती नुमा टोपी, कुर्ता धोती, प्रशस्त ललाट, करुणा से दीप्त उभरी हुई हड्डियां, मोटी मोटी नासिका, छितरी छितरी मूछें, पर थोड़ी दृढ़ता की प्रतीक आंखें, सत्य की खोज में व्याकुल। सत्य कहाँ है, कहाँ है सत्य की राह? मुझे सत्य चाहिए, सत्य ईश्वर है, मैं ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। ये व्याकुल आत्मा है सत्याग्रह के जन्मदाता महात्मा गांधी की। इसी ने अन्याय के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसकी आवाज शांत और धीमी है, परंतु वो सदा भीड़ के शोर के ऊपर सुनाई देती है। वो कोमल और नम्र है, परंतु उसमें फौलाद की शक्ति छिपी हुई है। वो मधुर और प्रार्थना से पूर्ण है, परंतु उसमें कोई दृढ़ और डरावनी वस्तु है। वो जिस शब्द का भी प्रयोग करता है सत्य से उपजता है। उस सत्य के पीछे अहिंसा की क्रिया है और है अन्याय के आगे न झुकने का पूर्ण निश्चय। वो बार बार अपनी ही अंतरात्मा से पूछता है, सत्य कहाँ है, कहाँ है सत्य की राह? मुझे सत्य चाहिए, सत्य ईश्वर है, मैं ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। और सत्याग्रह का मूल तत्व है अन्याय का शांत भाव से शालीनता पूर्वक कष्ट सहते हुए मुकाबला करना। बिना कष्ट सहे कुछ नहीं प्राप्त होता। दर्द के अंतर में ही तो नए जीवन के अंकुर फूटते हैं। दर्द सहने की वो शक्ति कहाँ है? वो नहीं है। इसीलिए तो सत्याग्रह शांत न रह सका, इसीलिए गांधी जी को उसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब शासकों ने पंजाब के अत्याचारों की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की तो राष्ट्रीय महासभा ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका गठन ही अराष्ट्रीय था। उसने अपनी ओर से एक समिति नियुक्त की। गांधी जी उसके एक सदस्य थे। वो व्याकुल थे पंजाब जाने को, सत्य की जांच करने को, उस दर्द की खोज करने को जो किसी भी सफलता के लिए अनिवार्य है। आखिर उन्हें आज्ञा मिली। वो गांव गांव घर घर घूमे, 2000 गवाहों से बातचीत की। उनमें से एक भी गवाही को कभी चुनौती नहीं दी जा सकी। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उससे ब्रिटिश साम्राज्य के ईश्वरीय देन होने में उनका विश्वास टकमगा गया। कैसी मनहूस परछाई पंजाब पर छाई हुई थी। दर्द से झुलसे चेहरे, जिन पर आंसुओं ने अत्याचार का इतिहास लिखा था, पीड़ा से छलछलाती आंखें जो बता रही थीं कि आदमी आदमी को प्यार ही नहीं करता, पीड़ा भी देता है। वो सन्नाटा, वो घुटन, वो सब क्या था? वो सब हिंसा का कैसा चीतकार था? नहीं नहीं, अंग्रेज जाति ऐसा नहीं कर सकती। ये कुछ सिरफिरे अंग्रेजों का काम है। सत्य प्रकट होने पर सरकार अवश्य प्रायश्चित करेगी। और उसने प्रायश्चित किया 24 दिसंबर को बादशाह जॉर्ज पंचम की घोषणा के रूप में। मेरी हार्दिक कामना है कि जनता और शासक के बीच जो कटुता शेष रह गई हो वो दूर कर दी जाए। अब नए युग का आरंभ होता है। गत उपद्रवों के कारण जिन लोगों को दंड दिए गए हैं
उनमें से जिनके छोड़ने से सार्वजनिक सुरक्षा को कोई भय न हो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा, यह ऐसा दस्तावेज है जिस पर हर अंग्रेज को गर्व और हर भारतीय को संतोष होना चाहिए। इस सारी घोषणा ने अविश्वास को हटाकर विश्वास को जगाया है। अब देखना है कि सरकारी अधिकारी इस पर किस हद तक आचरण करते हैं। सत्य की राह अगम है, उस पर चलने वाला व्यक्ति अपने प्रतिपक्षी पर सहसा विश्वास नहीं करता। बादशाह ने कहा था, नया युग आ रहा है। उनके लिए आया हो या ना आया हो, भारत और गांधी के लिए नया युग आ चुका था। महासभा ने उन्हें नया विधान बनाने के लिए नियुक्त किया। वे बोले, यह मेरा कांग्रेस की राजनीति में वास्तविक प्रवेश माना जाना चाहिए। उस दिन सचमुच बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक, लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्रंजन दास, जिन्ना और एनी बेसेंट, इन विचक्षण प्रतिभाओं की बिरादरी में शामिल हुआ एक छोटा सा आदमी, जिसके लिए तिलक ने कहा था, गांधी हमारा आदमी नहीं है, पर मैं जानता हूं कि भविष्य उसका है। हमें उसके मार्ग की बाधा नहीं, उसका सहयोगी बनना है। एक और आंदोलन का भार उनके कंधों पर आ रहा था। भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के भविष्य के बारे में चिंतित थे। अत्यंत धार्मिक होने के कारण गांधी जी औरों की अपेक्षा मुसलमानों की भावनाओं को अधिक अच्छी तरह समझ सके, इसलिए पूरी तरह सहमत न होते हुए भी वे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। उन्होंने उनके सामने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और सरकार से सहयोग करने का कार्यक्रम रखा। मुस्लिम नेता घबरा उठे, लेकिन जब मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ नरमी का बर्ताव नहीं किया तो वे ही नेता अपने क्षोभ को प्रकट करने के लिए आतुर हो उठे। उधर जब गांधी जी हंटर कमेटी के सामने गवाही देने आए तो सर चिमनलाल ने पूछा, क्या दर्द सहने के लिए असाधारण संयम की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, किसी असाधारण संयम की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्येक जननी दर्द सहती है। गांधी जी जननी के इसी निराले उन्माद से अनुप्राणित दर्द को पहचानते थे। यही दर्द उन्हें ईश्वर के समकक्ष करता था। मई में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। गांधी जी की निराशा का कोई अंत नहीं था। देश सरकार को सहयोग न दे जिसने न्याय के प्रति ऐसी उपेक्षा दिखाई है, वह अपने भीतर इतनी नैतिक शक्ति पैदा करे जिसके बल पर या तो उसे सुधारा जा सके या फिर समाप्त किया जा सके। यहां से उनके नेतृत्व का मुख्य सिद्धांत बदल गया। उन्होंने कांग्रेस से तुरंत असहयोग का कार्यक्रम स्वीकार करने का अनुरोध किया। पुराने नेता बेचैन हो उठे, परंतु जनता ने गांधी जी की जय के नारों से आसमान गुजाकर अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। उस सिद्धांत का सार था, गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग का कार्यक्रम 1 अगस्त से आरंभ होगा। लेकिन ठीक उसी समय जब 31 जुलाई की रात बीत रही थी और नवयुग का सवेरा होने ही वाला था, स्वराज्य हमारा जनसिद्ध अधिकार है, इस मंत्र के जन्मदाता भारतीय ज्ञान गरिमा के गौरव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया।
देश स्तब्ध रह गया। दर्द भरे कंठ से गांधी जी पुकार उठे, मेरा सबसे बड़ा रक्षक चला गया। लेकिन लोकमान्य की स्वराज्य की उत्कट अभिलाषा उस दिन मानो बंधन मुक्त होकर एक दर्द के रूप में सारे देश के मन प्राणों में समा गई। और जब कांग्रेस ने असहयोग के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया तो उस दिन से गांधी जी कांग्रेस थे और कांग्रेस गांधी जी। पहली बार उसके द्वार उन कस्बों और गांवों में बसने वाली जनता के लिए खोल दिए गए जिसकी राजनीतिक चेतना को जगाने में वे लगे हुए थे। देखते ही देखते भय, त्रास और निराशा की भावना तिरोहित हो गई। सुदूर गांवों में कांग्रेस और स्वराज्य, खिलाफत और पंजाब की चर्चा होने लगी। देश को एक गहरे असंतोष ने जकड़ लिया। असंतोष ही दर्द को जन्म देता है। इस दर्द को तीव्र करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शालाओं की स्थापना की। खतर, अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज्य असंभव है। हमें अराजकता को व्यवस्था में और जंगल के कानून को जनमत में बदल देना है। उन्होंने नारियों को पुकारा, शरीर की चिंता मत करो, सार्वजनिक जीवन में आकर संकटों का आह्वान करो, अपने विश्वास की अंतिम परिणति को स्वीकार करो, दया की याचना करने के स्थान पर उद्देश्य के लिए दुख सहने में पुरुषों से होड़ लो। और फिर कैसे कैसे दृश्य दिखाई दिए इस देश में, न भूतो न भविष्यति। भाइयों, मैं वकील हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से विदेशी सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं उनकी अदालतों में नहीं जाऊंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजूंगा। मैं सरकारी खिताब धारी हूँ, गुलामी की निशानी इस खिताब को लौटाता हूँ। भाइयों, मैं आपका छोटा सा बालक हूँ, मैं खद्दर पहनता हूँ, मेरी प्रार्थना है आप भी खद्दर पहनिए। इस प्रकार असहयोग की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। महासभा ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ की अपील निकाली और देश ने समय से पूर्व 1,15,00,000 रुपए इकट्ठे कर दिए। जहां भी गांधी जी जाते, रुपए और गहने बरसने लगते। भाइयों, भाइयों, शांत हो जाइए और धीरे धीरे चंदा देते जाइए। लीजिए, मेरे पास 100 रुपए, मेरे 1,000, मेरे 2,000, मेरे पास 1 ही रुपया है, दया करके वो भी ले लीजिए। बेटा, मैं भिखारिन हूँ, दिन भर में 20 पैसे ही मांग सकी हूँ। मैं चाहती हूँ महात्मा जी मेरे पैसे भी ले लें। तुम्हारे पैसे पाकर तो माँ ये फंड पवित्र हो गया है। लाओ बाबा, तुम भी अपना रुपया लाओ। ये वो बेटा। अध्यक्ष जी, मेरा हार लीजिए। हार? क्या तुमने अपने पति से पूछ लिया है? जी हाँ, उनकी भी यही इच्छा है। महात्मा जी कहते हैं तुम ये हार देकर दूसरा तो नहीं बनवाओगी? जी नहीं, मैं अब गहने नहीं पहनूंगी, खद्दर पहनकर अपने पति के साथ देश की सेवा करूंगी। खद्दर के प्रति उनकी ममता की थाह नहीं थी। सत्य की राह का राही स्वदेश और स्वदेशी में अंतर करता ही नहीं। तिलक की पहली पुण्यतिथि उन्होंने बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर की। उन्होंने कहा, विदेशी कपड़ों की होली जलाकर वास्तव में हम अपनी शौकीनी जला रहे हैं। इसके पीछे घृणा के नहीं बल्कि अपने अतीत के पापों के लिए प्रायश्चित की भावना रही है।
मेरा कोट लीजिए, मेरी कमीज लीजिए। मैंने खद्दर की साड़ी पहनी है, मिल की साड़ी ये लीजिए। शांत शांत, गांधी जी भीड़ के पास आ गए। होली जल उठी, आहा हा, लपटे कितनी ऊंची है, मानो हमारी गुलामी जल रही है। स्वराज्य उतर रहा है, कपड़े कैसे बरस रहे हैं, महीन साड़ियां, बारीक कमीजें, कीमती कोट, रंग बिरंगे रुमाल। लो, कोई गा रहा है। ये गुलामी की निशानी है, अगर गैरत है कुछ तुम में, अगर तुम में कुछ पानी है, अगर गैरत है कुछ तुम में, अगर तुम में कुछ पानी है, विदेशी वस्त्र मत पहनो, ये गुलामी की निशानी है, विदेशी वस्त्र मत पहनो। तुम्हें खद्दर चिकन है, जामदानी कामदानी है, तुम्हें खद्दर चिकन है, जामदानी कामदानी है, किसी सूरत से नहीं आ पार, ये खेतर लगानी है, किसी सूरत से नहीं आ पार, ये थे कर लगानी है, विदेशी वस्त्र मत पहनो, ये गुलामी की निशानी है, विदेशी वस्त्र मत पहनो, विदेशी वस्त्र मत पहनो, विदेशी वस्त्र मत पहनो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू मुसलमान की जय, हिंदू मुसलमान की जय, गांधी जी इस समय तूफानी दौरा कर रहे थे। अली बंधु उनके साथ थे, लाला जी, नेहरू जी, देशबंधु दास, राजेंद्र प्रसाद आदि अपने अपने प्रांत में जागृति का शंख फूंक रहे थे। मालवीय जी, शंकराचार्य जी, योगी अरविंद और मुसलमान उलमा सभी उनका समर्थन कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के वे अभूतपूर्व दिन थे। समूचा देश उनकी जय के नारों से गूंज रहा था। सुनो हिंदू मुसलमान सब गाओ, इस नवीन जगा सुनो 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 सुनो। भरी भरी इस पुण्य भूमि पर बहती है गंगा की धार, हरी भरी इस पुण्य भूमि पर बहती है गंगा की धार, वैष्णव बौद्ध जैन आदि हम उस पर हिंसा करेगी प्यार, वैष्णव बौद्ध जैन आदि हम उस पर हिंसा करेगी प्यार, नहीं मारने में मरने में है विक्रम यशमान सुनो सुनो, नहीं मारने में मरने में है विक्रम यशमान सुनो 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 भारत संतान सुनो 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 सुनो। गांधी जी अब सचमुच महात्मा थे। स्वेच्छा से अपनाई हुई गरीबी, सादगी, नम्रता और साधुता के कारण वे अतीतकालीन ऋषि प्रतीत होते थे जो देश की मुक्ति के लिए वर्तमान में चले आए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक आधा घंटा कात न लेंगे भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अनुभव किया, महंगा होने से लोग खद्दर नहीं पहनते,
बस उसी क्षण वे अर्धनग्न फकीर बन गए ताकि लोग कम से कम कपड़ा पहने और खद्दर महंगा न रहे। उन्होंने अपने आप को जनता के साथ एकाकार कर दिया। बनारस की वेश्याएं, कलकत्ता के मारवाड़ी, उड़ीसा के कुली, आदिवासी संताल सभी उनके चरणों में खादी की चादरें अर्पित करने को आतुर हो उठे। वे उन्हें अवतार पुरुष मानने लगे थे। बिहार के दौरे पर कार का टायर फट गया। वे नीचे उतरे, पानी बरस रहा था। देखा सड़क के किनारे एक 104 वर्ष की बुढ़िया खड़ी है। किसी ने पूछा, अम्मा तुम किसकी राह देख रही हो? महात्मा गांधी की। बेटा तुम में से महात्मा गांधी कौन है? मैया तुम महात्मा गांधी को क्यों देखना चाहती हो? वे भगवान के अवतार हैं, मैं उनके दर्शन करूंगी। लेकिन जनता के इस अंध प्रेम से गांधी जी प्रसन्न नहीं थे। वो अंधा उत्साह था, दर्द नहीं। स्टेशन पर जब लोग उनकी गाड़ी रोककर पटरी पर लेट जाते, जय जयकार करते, तब उनका मन कराह उठता। जब मैं महात्मा गांधी की जय सुनता हूं तो वो आवाज तीर की तरह मेरे दिल को चीर देती है। महात्मा होने का कष्ट महात्मा ही जान सकता है। इस कष्ट का जो परिणाम हो सकता था वही हुआ। दर्द गायब हो गया, बुरे दिन आ गए, हिंसा, नफरत और विनाश के दिन। केरल में मोपलों ने विद्रोह कर दिया और वो शीघ्र ही लज्जाजनक हिंदू मुस्लिम दंगों में परिवर्तित हो गया। युवराज 17 नवंबर को बंबई में पधारे और उसी दिन शुरू हो गए वहां डरावने शर्मनाक दंगे। जी की व्यथा का पार नहीं था। इस महानाश को देखते वे बैठे नहीं रहे। वे उस आग में कूद पड़े उसे शांत करने के लिए, परंतु 4 दिन तक वे शोले ऊंचे उठते रहे। बड़ी रात थके मादे वे लौटते, सोते सोते वे बीच में कराह उठते, श्री राम श्री राम। सत्य कहां है सत्य की राह? सत्य ईश्वर है। सोचो तो, तुमने ये क्या किया? क्या किया? टूटे हुए मन से वे बोले, जो हमसे सहमत न हुए, अहिंसा के हम मौखिक पुजारियों ने उन्हें बुरी तरह आतंकित कर डाला। पिछले 2 दिनों में स्वराज्य का जो रूप देखने को मिला उससे मेरे नथनों में हिंसा की दुर्गंध आ रही है। मैं भीड़ को नहीं रोक सका। क्यों नहीं रोक सका? क्यों नहीं? उन्होंने तुरंत सत्याग्रह स्थगित कर दिया। परंतु युवराज जहां भी गए वहीं सड़कें सूनी, दुकानें बंद, चारों ओर सन्नाटा, एक मनहूस उदासी कोहरा। सरकार तिलमिला उठी। वो प्रतिहिंसा पर उतर आई। उसने नेताओं को कारागार में बंद कर दिया, लेकिन उसी के साथ जिन्ना और मालवीय जी को बीच में डालकर सुलह का हाथ भी बढ़ाया। स्वराज्य की आशा दिखाई, पर यह सब मृग तृष्णा थी। गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट लिखा, लॉर्ड रीडिंग को यह बात समझ लेनी चाहिए कि असहयोग करने वाले सरकार से जंगी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बगावत कर दी है। और धीरे धीरे ये वर्ष भी बीत गया। स्वराज्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वास्तव में अब गांधी जी की भाषा बदल गई थी। उन्होंने भ्रम के कोहरे के उस पार देख लिया था। उन्होंने लिखा, अच्छाइयां तो नीरो और मुसोलिनी के राज्यों में भी कुछ न कुछ हो ही सकती हैं, लेकिन असहयोग का निश्चय कर लेने के बाद हमें उनका विचार नहीं करना है। सरकार की उपकारी संस्थाएं लोक कथा के उस मणिधर सांप की तरह हैं, जिसके दांतों में हलाहल विष भरा रहता है। सचमुच अब उस मणिधर विषैले सांप ने अपने दांत दिखाने आरंभ कर दिए थे। इधर सविनय अवज्ञा के लिए उत्साह उमड़ पड़ा, उधर सरकार ने दमन की इंतहा कर दी।
30,000 व्यक्ति स्वेच्छा से सिखों के पीछे चले गए, सभाओं पर प्रतिबंध लगे, अखबारों के गले घोंट दिए गए और बंदियों पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। गांधी जी के सामने अब प्रश्न था कि वे सविनय अवज्ञा को जनसंघर्ष का रूप देकर सारे खतरों को मोल लें या फिर जनता की वैध कार्रवाइयों के अन्यायपूर्ण दमन को स्वीकार करें। उन्होंने खतरा मोल लेने का निश्चय किया और बारदोली में जनसत्याग्रह करने की तैयारी में जुट गए। वायसराय को खुला पत्र लिखकर उन्होंने अपने निश्चय की सूचना भी दे दी, लेकिन बुरे दिनों का भी अंत नहीं आया था। दर्द अभी दूर था। 13 जनवरी को मद्रास में दंगा होकर चुका ही था कि 5 फरवरी को चौरी चौरा के स्थान पर एक भीड़ ने थानेदार और सिपाहियों को थाने में बंद करके जला डाला। इस रक्त कांड में उनके अतिरिक्त थानेदार का एक नन्हा बेटा भी था। क्या यही दर्द है? क्या यही सत्य की राह है? वे वेदना से छटपटा उठे। अहिंसक होने के संबंध में देशवासियों के प्रति उनका विश्वास हिल गया। अपनी भूल स्वीकार करके राज शक्ति के साथ होने वाले तीव्र संघर्ष की संभावनाओं को उन्होंने उसी क्षण अपने हाथ से रोक दिया। देश भर के सत्याग्रहियों के मुख निराशा और निष्फल क्रोध से स्याह उठे। महात्मा जी ने ये क्या किया? इस समय सत्याग्रह बंद करने की बात सोची नहीं जा सकती। हाँ, इतने बड़े देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने में रक्तपात तो हो गई। नहीं नहीं, गांधी जी को सत्याग्रह रोकने का कोई अधिकार नहीं। दिल्ली में कार्यकारिणी समिति की बैठक में उनके सिर पर से गुप्त और प्रकट लांछना की जैसे एक आंधी निकल गई हो, किंतु वो उस निष्कंप दीप शिखा को विचलित नहीं कर सकी। एक दिन उन्होंने विनम्र स्वर में कहा था, ईश्वर के सिवा मैं मनुष्य से नहीं डरता। इस सत्य को उन्होंने विरोधी राज शक्ति के सामने ही नहीं, अपने सहयोगियों और अनुचरों के सामने भी प्रमाणित कर दिया। मैं इस सत्य के अतिरिक्त और किसी राह से स्वराज्य नहीं चाहता। चौरी चौरा और बंबई में जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि देश अभी सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं। कभी किसी के हाथ से दान की तरह स्वाधीनता नहीं ली जाती, लेने पर भी वो नहीं टिकती, उसे हृदय के रक्त से प्राप्त करना होता है। अहिंसा की कीमत पर मैं भारत के लिए स्वाधीनता लेना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उपवास करूंगा, क्योंकि पीड़ा तो प्रसूता को ही भोगनी पड़ती है। मुझे भी अहिंसा और सत्य कर्म को जन्म देना है। मुझे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं। सरकार ने इसका अर्थ समझा कि अब उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर पानी फिर गया है, इसलिए 10 मार्च की शाम को उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर यंग इंडिया में लिखे गए 3 लेखों के कारण राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। उस दिन अदालत में एक अद्भुत दृश्य देखने में आया। जिस समय गांधी जी की कृश शांत और अजय देह ने अपने भक्त शिष्य और सहबंदी के साथ अदालत में प्रवेश किया, तो कानून की निगाह में इस अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ खड़े हुए। कुर्सी पर बैठने से पहले जज ने भी जीवन में पहली बार कटघरे में खड़े दोनों अभियुक्तों को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस क्षण अभियुक्त अदालत से श्रेष्ठ हो गया। गांधी जी ने भी अपना अपराध स्वीकार करके जज के काम को बहुत हल्का कर दिया। एक मर्मस्पर्शी वक्तव्य के अंत में उन्होंने कहा, जनाब जज साहब, आपके सामने केवल 2 ही मार्ग हैं। यदि आप हृदय से समझते हैं कि जिस कानून का आप प्रयोग कर रहे हैं वह अनुचित है और मैं निर्दोष हूं, तो आप इस्तीफा दे दें। और यदि आप समझते हैं कि जिस कानून का आपने मेरे विरुद्ध प्रयोग किया है वह प्रजा के लिए हितकर है, तो मुझे कड़े से कड़ा दंड दें। जज ने अपराध स्वीकार करने पर गांधी जी को धन्यवाद दिया और उनकी महानता को स्वीकार करते हुए उनके मुकदमे की तुलना लोकमान्य के मुकदमे से की।
उन्हीं के समान उसने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा देते हुए भावुक स्वर में कहा, आपको 6 साल के लिए जेल भेज देने की अपेक्षा आपके चरणों के पास बैठकर आपके औदार्य का अंशता भागी बनना क्या मेरे लिए अधिक शोभाप्रद नहीं होता? इसलिए यदि सरकार आपको मुक्त कर दे तो उस दिन जितना आनंद मुझे होगा उतना शायद ही किसी को हो। और जनता को शांत, अहिंसा, खादी और दर्द का संदेश देकर गांधी जी जेल के लौह द्वार के पीछे चले गए। स्वाधीनता संग्राम का एक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन अदालत ने गांधी जी के प्रति जितना सम्मान प्रकट किया था, जेल के अधिकारियों ने उन्हें उतने ही कष्ट दिए, लेकिन वे उन्हें हंसते हंसते सहते रहे और खूब पढ़ते रहे, क्योंकि दर्द की भाषा सब कहीं एक ही है। कैसा है वो दर्द, कैसे पाया जाए उसे? वे जेल के अंदर मनुष्यों के शब्दों में दर्द को पाने का उपाय खोज रहे थे। बाहर एक शून्य पैदा हो गया था। साधारण सदस्य दिग्भ्रम में थे, नेताओं में मतैक्य नहीं रहा था। दास और बड़े नेहरू पहले ही काउंसिलों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे, अब उन्हें अवसर मिल गया। मोतीलाल नेहरू ने कहा, अब जब सामूहिक अवज्ञा का कार्यक्रम वापस ले लिया गया है तो सरकार का विरोध करने का एक ही मार्ग है, काउंसिलों में जाना। 1919 के सुधारों को कार्यान्वित करने को नहीं, बल्कि ये प्रमाणित करने को कि वो कितना संकुचित और अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। देशबंधु दास ने जेल से मुक्त होते ही काउंसिल प्रवेश की योजना बनानी शुरू कर दी। वे उसे असहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत मानते थे, परंतु गांधी जी के निष्ठावान साथी इसे अहिंसात्मक असहयोग की मूल भावना पर प्रहार समझते थे। इधर इस सैद्धांतिक मतभेद और सूत्रधार के रंगभूमि से हट जाने के कारण रंगमंच पर विघटनकारी घटनाएं घटने लगी थी। कांग्रेस परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो दलों में बंट गई, और जब गया कांग्रेस में काउंसिल प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकृत नहीं हुआ तो परिवर्तनवादियों ने स्वराज्य दल के नाम से एक अलग संगठन कायम कर लिया। कमाल पाशा ने खलीफा को अपदस्थ करके टर्की का शासनभार संभाल लिया। खिलाफत का प्रश्न समाप्त हो गया और उसी के साथ समाप्त हो गई हिंदू मुस्लिम एकता। बंगाल में आतंकवाद और पंजाब में कीर्ति मजदूर आंदोलन ने जन्म लिया। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन ने काउंसिल प्रवेश की आज्ञा दे दी, लेकिन दिसंबर अधिवेशन में रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देते हुए सविनय अवज्ञा की तैयारी के लिए भी आह्वान किया। उधर चुनाव हुए और केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों में बड़ी संख्या में स्वराज्यवादी पहुंच गए। इस नीति से और कुछ हुआ हो या न हुआ हो, परंतु हीनता की भावना को उसने अवश्य झकझोर दिया। चपरासी लोग भय और अचरज से गांधी टोपी वालों को देखा करते थे। बनवारी, ओ बनवारी, इधर देख, वो गांधी टोपी वाला अंदर घुसा चला रहा है। क्या जमाना आ गया, बिल्कुल उलट गया। इससे पहले जब राजा और नवाब मेंबर होते थे ना, तो वे हुक्कामों से मिलने आते थे। अरे यार, हुक्कामों से क्या, पहले तो हम ही को सलाम चुकाते थे, 1000 बार खुशाम दे करते थे, 10-10 रुपए बख्शिश देते थे, तब कहीं दीदार होते थे। और अब ये सुराजी छिक उठाकर सीधे बड़े से बड़े हुक्काम के दफ्तर में दंदनाते हुए घुस जाते हैं और वे चूं भी नहीं करते। तभी तो कहते हैं बनवारी, तोपधरों को मात किया इन गांधी टोपी वालों ने। बाहर ये नई चेतना उभर रही थी, लेकिन तभी सहसा जेल में गांधी जी बीमार हो गए। उन्हें अपेंडिसाइटिस बताया गया। अधिकारी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। कर्नल मैडक ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। देश स्तब्ध रह गया, लेकिन वे वैसे ही शांत थे। मृत्यु को वे परम सखा मानते थे। उन्होंने हंसते हंसते अपने हाथ से लिखकर ऑपरेशन की आज्ञा दी, परंतु जिस समय डॉक्टर ने उन्हें बेहोश किया, एकाएक तूफान गरज उठा। मृत्यु मानो अपने विकराल रूप में प्रकट हुई। बिजली फेल हो गई। फ्लैशलाइट जल्दी करो। यस डॉक्टर,
लाइट तैयार है। तुम तीनों इसे संभाल कर पकड़ो और यहाँ खड़े हो जाओ। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर लाइट बुझ गया। हरी किल लैंप, हरी अब। यस डॉक्टर, लैंप रेडी। और तब अदम्य साहसी कर्नल मेडॉक ने हरिकेन लैंप के टिमटिमाते प्रकाश में ऑपरेशन किया। मृत्यु पराजित हो गई, देश ने मुक्ति की सांस ली। डॉक्टर के लिए ये एक अद्भुत पवित्र अनुभव था। नर्स गर्व से पुलकित हो उठी। देश भर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे प्रार्थनाओं से गुंजरित हो आए। संजौर से पत्र आया है कि उन्होंने महात्मा जी के लिए विशेष रूप से अभिषेकम और अर्चना की है। वे पवित्र भस्म और कुमकुम भेज रहे हैं। काशी से सूचना मिली है कि मृत्युंजय महादेव के मंदिर में विशेष जप चल रहे हैं। वे पवित्र भस्म और गंगा जल भेज रहे हैं। नागौर के मुसलमानों ने औलिया का तबरुक भेजा है। एक महिला लिखती है कि मैं अब अधिक कात रही हूँ क्योंकि महात्मा जी तो अब कात नहीं सकेंगे। एक पारसी बहन अपना रक्त देने को आतुर है। एक अंग्रेज महिला विस्तार से बतलाती हैं कि महात्मा जी को क्या क्या खाना चाहिए। एक ओर ये अजस्र प्रेम, दूसरी ओर समस्याओं का ढेर। उसी समय उन्होंने रोम्या रोला को प्रथम पत्र लिखा। उस रोम्या रोला को जो मृत्यु के आतंक और त्रास से मुक्ति पाने को छटपटा रहा था, जिसने उनके बारे में लिखा था, या तो गांधी की आत्मा की विजय होगी या वो फिर जन्मेगी जैसे सदियों पहले मसीहा जन्मा था। वो तब तक जन्म लेती रहेगी जब तक अतीत के उस सत्य की स्थापना नहीं हो जाएगी जो मानवता को एक नई राह दिखा सके। वो नई राह अभी दूर थी। वे अनुभव कर रहे थे कि दर्द को अभी तक किसी ने नहीं समझा है। सत्याग्रही कांग्रेसी सरकार से उतना सहयोग नहीं कर रहे जितना आपस में एक दूसरे से। हिंदू मुस्लिम एकता छिन्न भिन्न हो गई। बुद्धिजीवियों को रचनात्मक कार्यों में कोई रुचि नहीं रही। देश फिर फूट के भंवर में फंस गया। कैसे बचाया जाए कांग्रेस को इस भय से? कैसे पैदा किया जाए दर्द? उन्होंने स्वराज्यवादियों से बातचीत की। वे उनसे सहमत नहीं हो सके। फिर भी एकता के लिए उन्होंने न केवल उन्हें बर्दाश्त किया बल्कि प्रोत्साहित भी किया। लेकिन उन्हें परेशान करने वाली घटनाओं का अभी भी अंत नहीं आया था। बंगाल में एक युवक गोपीनाथ साहा ने दिन दहाड़े एक अफसर अर्नेस्ट डे की हत्या कर दी। गांधी जी ने कहा, इस देशभक्त की आत्मत्याग की भावना के लिए मेरे हृदय में किसी से भी कम प्रशंसात्मक भावना नहीं है। पर मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे कामों से देश का बड़ा अहित होता है। कांग्रेस ने इस हत्या की निंदा की परंतु केवल 8 मतों के बहुमत से। देशबंधु दास और स्वयं उनके कई अन्यतम साथियों ने प्रस्ताव का विरोध किया। उस दिन गांधी जी को मर्मान्तक वेदना हुई। वे सब के सामने रो पड़े। टूटे हुए दिल से उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मैं बुरी तरह पराजित हो गया हूं। मेरा गर्व चूर चूर हो गया है। मेरा सिर झुक गया है। लेकिन यह पराजय मुझे हताश नहीं कर सकती। अपने सिद्धांत में मेरी श्रद्धा अटल है। मैं जानता हूं प्रभु मुझे राह दिखाएंगे। सत्य मनुष्य के बुद्धि बल से ऊपर है। सत्य के उपासक के कार्य करने का ढंग ही और होता है। वो सदा दर्द की तलाश करता रहता है। कहां है सत्य की राह? कैसे हैं ये दंगे? क्यों हैं ये सब भयाक्रांत? हिंदुओं का विश्वास है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन के जुड़ जाने से मुसलमानों में हानिप्रद सांप्रदायिकता अधिक पनपी है। मुसलमान मानते हैं कि जिन राजनीतिक सुधारों के लिए कांग्रेस लड़ रही है उसमें उनकी स्थिति बहुत सुरक्षित नहीं है। ये पारस्परिक संदेह, ये भय,
उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन में इसका विश्लेषण करते हुए अपने दिल का दर्द खोल कर रख दिया, लेकिन सब बेकार। सारे देश में शर्मनाक दंगों की बाढ़ सी आ गई, परंतु कोहाट में जो नरमेद हुआ उसका आघात भी नहीं सह सके। उसने उन्हें सोचने को विवश कर दिया। कैसा हाहाकार था उस मंथन में कि मैंने ही जनता की शक्ति को नहीं जगाया था। यदि वो शक्ति अपने ही विनाश में लग जाए तो उसको रोकने का उपाय भी मुझे को करना होगा। क्या मैंने गलती की? बावलेपन से काम लिया? बुराई से समझौता किया? हो सकता है ये सब किया, या शायद ऐसा कुछ भी ना किया। जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है मैं तो सिर्फ उसी को जानता हूं। अगर जनता ने सच्ची अहिंसा और सत्य का आचरण किया होता तो आज की ये खून खराबी और ये दंगे फिसाद गैर मुमकिन थे। इस दारुण व्यथा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। कहा, मैं किसी को दोष नहीं देता, दोष केवल मेरा है। उनका ये उपवास मौलाना मोहम्मद अली के निवास स्थान पर 18 सितंबर को आरंभ हुआ। घोर वर्षा हो रही थी। जमुना में न भूतो न भविष्यति बाढ़ आई हुई थी। परंतु 26 सितंबर तक सभी जातियों के नेता दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गांधी जी के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का जी तोड़ प्रयत्न करेंगे और सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करेंगे। लेकिन गांधी जी ने अपना उपवास 21 दिन बाद 8 अक्टूबर को ही तोड़ा। कैसा भावाकुल दृश्य था वह। सभी नेता उनकी चारपाई को घेर कर बैठे थे। सबके हृदय पवित्र प्रार्थना से पूर्ण थे। नेताओं ने अपनी प्रतिज्ञा एक बार फिर दोहराई और उसके बाद डॉक्टर अंसारी ने बड़े भक्तिभाव से उन्हें संतरे का रस दिया। उस वातावरण को देखकर श्री एंड्रयूज अभिभूत हो उठे। बोले, दिल एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। लेकिन सब मृग तृष्णा, दर्द सहने की योग्यता भी किसी में न थी। फिर भी वे निराश नहीं हुए। दर्द की तलाश करते करते उन्होंने स्वराज्य दल वालों से समझौता करके काउंसिल प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने एशिया और अफ्रीका में गोरों द्वारा किए जाने वाले दमन और शोषण की निंदा की। अकालियों के संघर्ष की चर्चा करते हुए वे बोले, उन्होंने अपने प्रिय उद्देश्य के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी गलती हो सकती है। अगर ऐसा है तो उसका परिणाम भी स्वयं उन्होंने ही भुगता है। दूसरे को परेशान नहीं किया। ननकाना साहब, गुरु का बाग और जैतो, ये उनके बलिदान, दर्द और साहस के साक्षी हैं। लेकिन चारों ओर बढ़ते हुए मतभेदों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि अब वे नीचे की ओर दर्द की तलाश शुरू करें। उन्होंने रेल, मोटर, बैलगाड़ी, नाव, जो भी सवारी मिली उसी से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा किया। फिर नदी नाले, कीचड़ कांटे, झाड़ झंखार सबको पार कर देश के हृदय गांव तक पहुंचे। उनका संदेश बड़ा स्पष्ट था। यह उत्तेजना का नहीं, रचनात्मक कार्य का समय है। खादी पहनो और छूत छात को मिटा दो। उनके लिए चरखा सब रोगों की रामबाण दवा थी। हाथ कते सूत को वे प्रारब्ध की डोर मानते थे। मानते थे कि चरखा चलाकर सूत कातने से सहज गृह उद्योग गरीब भारतीय गांवों के लिए दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता।
बैलों के पीछे चलती हुई जिंदा किसानों की ठठरियां उनकी आंखों में बस गई थी। इसलिए जब श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने चरखे का विरोध किया तब दर्द भरे स्वर में वे बोले, मैं नहीं चाहता कि कभी अपना संगीत छोड़ दे, किसान अपना हल, वकील अपने मुकदमे और डॉक्टर अपना शल्यशालक के। मैं तो उनसे रोज सिर्फ 30 मिनट काटने का त्याग चाहता हूं। मैंने भूखे मर रहे बेकार स्त्री पुरुषों को गुजारे के लिए और अतपेट रहने वाले किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए चरखा चलाने की सलाह जरूर दी है। उनके लिए जिस प्रकार चरखे का अर्थशास्त्र नए गांवों की संपन्नता का अर्थशास्त्र था, उसी प्रकार अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न हिंदू धर्म और मानवता की शुद्धि का प्रश्न था। दक्षिण यात्रा में वे वाईकोम गए। वहां अछूतों को मंदिर के पास वाली सड़क पर चलने की मनाही थी। उन लोगों ने सत्याग्रह कर दिया था, पर अधिकारी लोग झुक नहीं रहे थे। सत्याग्रही निरुत्साहित हो उठते। वे बोले, धैर्य छोड़ना लड़ाई में हारने जैसा है। सड़कें खुलनी ही चाहिए, उन्हें खोलना ही होगा। यह अंत का आरंभ है, लेकिन इसके लिए अभी महान बलिदान की आवश्यकता है। और बलिदान दर्द मांगता है। उसी दर्द की खोज में घूमते घूमते वे फिर बंगाल पहुंचे। देश बंधु अस्वस्थ थे, उनके पास वे कई दिन रहे। उन्हें विश्वास दिलाया कि बिना चरखे के धारासभा के काम को कारगर बनाना असंभव है। परंतु विधि का विधान, इसी समय सहसा 16 जून को देश बंधु का देहावसान हो गया। गांधी जी स्तब्ध रह गए। अश्रु विगलित कंठ से वे बोले, मनुष्यों में एक दिग्गज उठ गया। जब लोकमान्य का देहावसान हुआ था तो मैं आतंकित हो उठा था। देशबंधु के जाने से मेरी कठिनाइयों का कोई पार नहीं है। तब तो मार्ग स्पष्ट था। जनता एक नई आशा से पूर्ण थी और थी नए नए प्रयोग करने को उत्सुक। हिंदू मुसलमान एक हो गए थे, लेकिन अब मेरे पास नए विचार नहीं है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ने को तत्पर हैं। ब्राह्मण अब्राह्मण भी लड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर वे सब राष्ट्र को भूल गए। ऐसे समय दास का जाना कितनी बड़ी हानि है। और वे इसी हानि की पूर्ति में लगे रहे। उन्होंने कांग्रेस के विधान में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्वराज्य दल को शक्ति सौंप दी। कांग्रेस ने देश के हित में सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यों को संभाल लिया। उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। वो कांग्रेस का अंग था, परंतु उसकी सत्ता स्वतंत्र थी। उन्होंने निश्चित किया कि 4 आने या 2000 गज अपना कटा सूत देने पर कोई भी कांग्रेस का सदस्य हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं आज ही अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकता हूँ, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि लोगों में उसके लिए तड़प है। और तड़प ही तो दर्द है। उसी की खोज में वे प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे थे। एक प्रयोग किया उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर। उन्होंने लिखा है, मुझे जो करना है, 30 वर्षों से मैं जिसकी आतुरभाव से रट लगाए हुए हूं, वो तो आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। और ये साक्षात्कार वो अछूतों और खद्दर के प्रश्नों को सुलझाकर करना चाहते थे। उन्होंने कहा, याद रखो, ईश्वर को विश्व का सूत्रधार कहा जाता है। यह अर्थगर्भित व्याख्या बहुत ही सार्थक है। क्या आप इसके नाम पर और अपने देश के गरीबों के लिए सूत नहीं काटेंगे? उनकी इस मार्मिक अपील का किसी ने उत्तर नहीं दिया। स्वराज्य पार्टी में विद्रोह फूट पड़ा, लेकिन वे हारे नहीं, प्रयोग पर प्रयोग करते रहे। नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं का कोई अंत नहीं था। उन्होंने उपवास करके फिर प्रायश्चित किया, लेकिन नहीं, इन छोटे मोटे प्रायश्चितों से कुछ नहीं होता। उन्हें अपने को टटोलना होगा। अपने अंतर में झांक कर वो महीन आवाज सुननी होगी जो ईश्वर से साक्षात्कार कराती है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 5 मिनट में अपने कार्यकाल की रिपोर्ट पेश की और घोषणा की,
कम से कम आगामी 20 दिसंबर तक मैं अपने आश्रम से, विशेष रूप से अहमदाबाद से, स्वास्थ्य या दूसरे आकस्मिक कारणों के अतिरिक्त बाहर नहीं जाऊंगा। इस घोषणा के द्वारा मानो उन्होंने कहा, अब मैं ईश्वर से नए प्रकाश के लिए प्रार्थना करूंगा, शायद मौन रहकर मैं उस प्रकाश को पा सकूं, क्योंकि मौन का अर्थ है अंतर्धान, ईश्वर से साक्षात्कार। उस साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं, वही सत्य की राह है, वही दर्द है जो जननी का गौरव है। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसे पाऊंगा, उसे पाने के लिए निरंतर प्रयोग करता रहूंगा। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसे पाऊंगा, मैं ईश्वर से साक्षात्कार करूंगा, मैं उस साक्षात्कार के लिए जीवन भर प्रयोग करता रहूंगा। निष्कंप दीप शिखा। अभी आपने महात्मा गांधी रेडियो जीवनी का 5वां खंड सुना। इसके लेखक थे श्री विष्णु प्रभाकर। इसमें गांधी जीवन के अगस्त 1919 से जनवरी 1926 तक के वृत्तांत शामिल थे। इस रूपक माला के अंतर्गत हर मास के अंतिम शुक्रवार को इसी समय एक रूपक प्रसारित किया जाएगा। महात्मा गांधी रेडियो जीवनी का 6ठा खंड 27 जून 1969 को रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। निष्कंप दीपशिखा में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री हरि कपूर, ओम शिवपुरी, राजेंद्र वर्मा, राजगुप्त राजीव, बी आर एल सक्सेना, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, हरिकृष्ण वैश्य, चांद नारायण सक्सेना, कारी मोहम्मद इलियास, दिनेश्वर शास्त्री, सोमनाथ नागर, जफर अहमद, राधेश्याम लोधी, करतार सिंह पंवार, बालक अभय कुमार, श्रीमती सुधा शिवपुरी, श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी, श्रीमती कमला कुमारी चोपड़ा और कुमारी आभा जैन। गायक कलाकार थे सर्वश्री मनमोहन पहाड़ी, महेंद्र पाल, एम एस माथुर, श्रीमती काजल बैनर्जी, श्रीमती मीना कपूर और श्रीमती पूर्णिमा दास। संगीत रचना श्री अनिल विश्वास ने की। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री सिद्धिनाथ झा। ध्वनि संपादक श्री कैलाश चंद्र शर्मा। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता